मेरे पास यहाँ यहाँ भाई तो हैं, कुछ घरों में भाई भी नहीं है. और फिर वो भाई कभी कभार ऐसा होता है ना कि वो लेट होते हैं, छोटे होते हैं, सो सारी जिम्मेदारी घर की फिर बहनों के ऊपर आ जाती है. सो मेरे पास इस वक्त जो यहाँ तीन बहनें हैं, दुआ, फलक एंड सना हैं, जो कि मैं आप देखकर ही बता सकते हैं कि लोग कितनी छोटी होंगी. तुम क्या एज होगी तुम्हारी? 18. तुम सबसे बड़ी हो? सबसे छोटी. तुम सबसे छोटी हो? खत तुमने सबसे अच्छा निकाल लिया. कौन सबसे बड़ा है? तुम हो जी. तुम्हारी क्या एज होगी? मेरी 20 है. 21, 22 है. यंग, बहुत यंग एज है. तुम सबसे बड़ी हो? सेकंड तुम हो जी. और फिर तुम हो सबसे छोटी. तुम लोग क्या करते हो? वो कहते हैं ना कि तुम जिंदा रहने के लिए क्या करते हो? जिंदा रहने के लिए तो कमाना ही पड़ता है, जाहिर सी बात है. और आजकल के हालात तो ऐसे हैं कि भाई बिना कमाए तो हम घर नहीं चला सकते. और तुम तीनों ही हो घर में? और कौन कौन है घर में? भाई हैं, छोटे हैं दोनों. वालिद हैं हमारे, और मेरी मम्मा है, हाउसवाइफ हैं. बाबा मैकेनिक है मेरे. अच्छा. और उसके बावजूद भी फिर भी महंगाई की वजह से हम लोगों को बाहर निकलना पड़ा, इसलिए कि घर का पूरा हो ही नहीं पा रहा. मैनेज किसी भी तरीके से कर रहे हैं तो नहीं हो पा रहा. तो इसीलिए हम तीनों ने फैसला किया कि हम अपनी पेरेंट्स की सपोर्ट के लिए, अपनी फैमिली के लिए बस कोई ना कोई स्टेप लेंगे. अब आजकल तो बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं है. अगर बच्चियां पढ़ी लिखी हैं तो ये आप लोगों के सामने है. तो मुझे बताओ बच्चे क्या करते हो तुम लोग? हम लोग स्टडी भी करते हैं और फिर उसके बाद हम लोग टीचिंग भी करते हैं. मैं मार्केटिंग का करती हूँ, मार्ट वगैरह में जॉब करती हूँ. यानी अच्छा जी. इसके अलावा पार्लर का भी मैंने किया. यानी मैंने इतने काम किए हैं कि मैं ये सोच भी नहीं सकती कि मैं इतनी सी उम्र में इतना कर सकती हूँ. जाहिर सी बात है, अपनी मामा को देखती हूँ तो उनको देख के अफसोस होता है कि भाई वो सोच रही होती हैं कि मैं निकल के बाहर कुछ अपने बच्चों के लिए करूँ. लेकिन हम लोग इतने बड़े हैं कि हम अपने घर के लिए कुछ कर सकती हैं. और आजकल के हालात ऐसे हैं कि बिल्कुल भी गुजारा नहीं. भाई जो है छोटे हैं ना, बिल्कुल छोटे हैं. और उनकी पढ़ाई का खर्चा, उनका मतलब छोटे हैं तो उनका इतने खर्चा हो जाता है. और जाहिर सी बात है हम तीन लड़की हैं, तीनों का भी तो बहुत ही खर्चा हो जाता है. अम्मी अब्बू हैं, बाकी फैमिली हमारी माशाल्लाह से अच्छी है. और किराए का घर है तो किराया भी भरना पड़ता है, बिजली का बिल, गैस, और ये सब हमारे मतलब सब हम पर ही है. बीसी वगैरह डाली भी होती है कि घर के घर अपना ले लें कि चलो हमारे मतलब इस वक्त मुझे ऐसा लगता है जो वाइट कॉलर लोग हैं ना, जो मिडिल क्लास लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा पिस रहे हैं. क्योंकि जो लोअर क्लास में है वो जिस इलाकों में रहते हैं उतने किराए नहीं होते हैं. और जाहिर है उनके वो जो एक रख रखाव है एक वाइट कॉलर जॉब वाले लोगों का, हाँ, वो एक अलग है. जाना आना, देना लेना, वो भी पड़ता है. बिल्कुल. और दूसरा ये भी है कि देखे हालात जैसे भी हों, अब वही है कि एक कमाने वाले से जो है ना गुजारा नहीं होने नहीं वाला. अब वो सिचुएशन है कि जहाँ पे अगर किसी के पास भी कोई हुनर है ना, जैसे अब आपने इनमें भी देखा तो उनके पास पॉलर का है, वो मार्केटिंग का कर रही हैं, टीचिंग कर रही हैं. तो इसी तरह से अगर खातून खाना है, अगर वो पढ़ी लिखी नहीं भी है, सिलाई का काम है, आप बहुत सारे दूसरे काम कर सकते. कुकिंग अगर आपको अच्छी आती है. हमारे तो कभी लड़कियों ने काम नहीं किया. भूखे रहेंगे क्या? हाँ बिल्कुल. अपने पेट के लिए तो निकलना पड़ेगा ना, निकलना पड़ेगा. बिल्कुल. तो अब वो ही है कि आपको मल्टीपल जॉब्स जो हैं वही आपको हेल्प आउट कर सकती हैं कि आप इन हालात का मुकाबला कर सकते हैं. तो अगर पहले नहीं किया कोई काम तो पहले ये हालात भी नहीं रहे. तो अब जब हालात बदल गए तो इसका मतलब है कि आपको भी उसके साथ साथ बदलना पड़ेगा अगर आपको सर्वाइव करना है. और खुदकुशी तो वही वाली बात है ना कि फिर वो तो एक वो है कि बुजदिली का काम है ना. देखिए आप, ये भाई छोटे, तीन बहने हैं, तो ये बाजू बनी है अपने फादर. बिल्कुल बनी है. वो भी मेहनत कर रहे हैं बेचारे, लेकिन वो कितना कर लेंगे? जो महंगाई का अब हाल है उसमें तो वो अकेले नहीं कर सकते. जब ये छोटे होंगे उस वक्त इतनी महंगाई नहीं थी, उन्होंने पूरा खर्चा उठा लिया. कितने? दो भाई हैं तुम्हारे? और यानी पांच बच्चों का खर्चा उस बंदे ने अकेला उठाया. अम्मा ने कभी काम नहीं किया. लेकिन अब वो हालात हैं ही नहीं कि अब्बा अकेले, एक आदमी अकेले. इसीलिए तो खुदकुशी करते हैं लोग कि जब पूरे कमाने वाले जो है सिर्फ एक है, खाने वाले पीछे दस हैं, तो वो बंदा कैसे करेगा? वो पूरा ही नहीं कर पाएगा. और बिल्कुल अगर आप देखें तो इसमें कोई हर्ज नहीं. अगर आपके घर से, वही वाली बात है ना कि खवातीन ने कभी काम नहीं किया, लड़कियों ने कभी काम नहीं किया, तो आप अपने मजहब में देखिए क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल सामने नहीं है? हज़रत खदीजा, क्या उन्होंने नहीं किया काम? तो यानी इसका मतलब है कि अगर ये हमारा, इसका मतलब हमें मजहब ने तो नहीं किया, इस्लाम नहीं बाउंड कर रहा, रिलीजन बाउंड नहीं कर रहा ना. ये हमारा पर्सनल डिसीजन है कि मुझे बाहर, और ना ही मुआशरा ऐसा कर रहा है. क्योंकि मुआशरे की मिसाल मैं भी हूँ, आप भी हैं, हम भी तो घर से बाहर निकले हैं ना. तो इसका मतलब है हमें इस रवैये को भी चेंज करने की जरूरत है कि जो जिसके पास जो हुनर है उसको जिस तरह से हमें इस रवैये को भी चेंज करने की जरूरत है. हमें उन पेरेंट्स से ये कहने की भी जरूरत है जितनी एजुकेशन आपके बेटों की जरूरी है उतनी बेटियों की भी है. क्योंकि जब बेटे नहीं होते तो ये बेटियां ही खड़ी होती हैं, और बेटे होते भी हैं
तब भी ये बेटियां उस बेटे का सहारा बनती हैं ताकि वो बेटा बिल्कुल बेचारगी में डिप्रेशन का शिकार ना हो जाए. और जब आपका अपना प्यारा आपसे दूर चला जाता है ना, उस वक्त तो वो बच्चे, वो लोग सोचते नहीं है खुदकुशी करने से पहले कि पीछे उनके पेरेंट्स का, उनकी फैमिली का हाल क्या होगा. वो सिर्फ अपने लिए देख रहे होते हैं कि बस मैं जान छुड़ाऊं इस जिम्मेदारी से. तो आप सोचिए कि पीछे जो रह जाते हैं लोग, वो दुखों के साथ, इस गम के साथ कैसे सरवाइव करते हैं. सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू वॉच द लेटेस्ट ड्रामास.